बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां पर गुरु तेग बहादुर की शहादत और चार साहिबजादों की शहादत दिवस पर प्रभात रैली निकाली गई है। प्रभात फेरी में सिख समाज समेत सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत अन्य लोग शामिल हुए। प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को छोटे साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। बता दें कि माता गुजरी ने छोटे साहिबजादों को लगातार 3 दिन तक धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने का पाठ पढ़ाया था, और यही शिक्षा देकर माता गुजरी साहिबजादों को नवाब वजीर खान की कचहरी में भेजती रही। क्योंकि स्थिति ऐसी भी बन गई थी उस समय जब औरंगजेब ने चमरिया मुसलमान बनाने की मुहिम शुरू की थी, चेहरे उतर रही थी, सुन्नत हो रही थी, हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा था अगर उसकी व्यथा प्रकट की जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि ऐसे हिंदुत्व की दुर्गति मुगल साम्राज्य के अंदर हो रही थी। और ऐसी स्थिति आ गई कि कश्मीरी पंडितों को अल्टीमेटम दिया गया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो नहीं तो कत्ल हो जाओगे। राष्ट्रपति जी ये इतिहास गवाह है कि कश्मीरी पंडितों ने सब जगह जाकर याचना की, पहाड़ी राजाओं से याचना की, लेकिन सब मुगल साम्राज्य के अस्तित्व में थे, किसी ने मदद करने की कोशिश भी नहीं की। तब उन्हें पता चला कि गुरु नानक का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ झोली फेरा कर लोग जाते हैं। है वो निर्णय के लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इस देश के लिए बलिदान दिया है। ऐसे साहबजाद लोगों गुरु गोविंद सिंह जी की जो चार जो जिन्होंने वो को जो है कि लड़ते लड़ते शहादत हुई। देखिए पूरे हिंदुस्तान में जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, उसके बाद में देश में नए नए परिवर्तन और हमारे बलिदानियों को याद करने के कई अवसर हमारे देश में हुए हैं। आज हमारे मोदी जी के आह्वान पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में वीर बाल दिवस के रूप में आज का दिन हमारे चारों साहिबजादों के शहादत को नमन करते हुए वीर बाल दिवस आज के दिन घोषित किया है।